मैं आरके सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए आहार एवं पाचन क्रिया ये हम पाठ पढ़ते हैं, फूड एंड डाइजेशन। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, यह हमारे शरीर की कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करती है। कोशिकाएं क्या है? जैसे कि मकान बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट है, सबसे जरूरी है। उसी तरह से शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है और इन्हीं कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो आइए पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। हमारे भोजन के रूप में जिन पोषक पदार्थों को, पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं, उन्हें 6 भागों में बांटा गया है, 6 वर्गों में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल। प्रोटीन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, अंडा है, मछली है, ये मीट है और ये दूध है, ठीक। प्रोटीन हमारे शरीर के टूटे फूटे ऊतकों, कोशिकाओं से ऊतक बनता है और ऊतक से अंग बनता है। प्रोटीन हमारे शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है तथा शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। सोयाबीन, दूध, मूंगफली, दाल, मांस, मछली, पनीर, अंडे एवं सूखे मेवों में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू, चीनी, गुड़, केले एवं दूध में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम वसा के बारे में जानते हैं। वसा यानी कि तेल, घी। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, किंतु कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा को पचाना कठिन होता है। अधिक वसा शरीर को मोटा बनाती है। घी, तेल, मक्खन, दूध, मांस एवं सूखे मेवे आदि में वसा पाई जाती है। अब विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन हमें हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए, ये सूक्ष्म तत्व है, उसके लिए आवश्यक है। सही विकास और स्वास्थ्य के लिए विटामिन महत्वपूर्ण है। विटामिन की अल्प मात्रा ही शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होती है, इसमें ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती है। फलों, सब्जियों, अंकुरित अनाज, मछली, दूध एवं सोयाबीन आदि में अच्छी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके में विटामिन की पर्याप्त मात्रा होती है। खनिज लवण के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर को कुछ खनिज लवणों की भी जरूरत होती है, जैसे कैल्शियम हड्डियों के लिए, फास्फोरस, आयोडीन आदि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। आयरन यानी कि लोहा नया रक्त बनाने में सहायता करता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस सब्जियों, फलों और दूध आदि में पाए जाते हैं। आयोडीन नमक में पाया जाता है और आयोडीन जो है पत्ता गोभी यानी बंद गोभी में पाया जाता है। और आयरन जितने हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें आयरन पाया जाता है। जल, जल हमारी पाचन क्रिया में सहायक होता है, इसलिए जल पीना भी बहुत ही आवश्यक है। जल हमारे शरीर के तापमान को भी स्थिर रखता है। हमें प्रतिदिन कम से कम 5 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के वजन का लगभग 75% भाग पानी ही होता है। संतुलित आहार क्या होता है, आइए जानते हैं। बैलेंस डाइट, हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिस भोजन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं, उस भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। सब संतुलित मात्रा में होना चाहिए। आइए अब समझते हैं पाचन क्रिया क्या है। जो भोजन हम खाते हैं वह हमारे शरीर के द्वारा ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं कर लिया जाता है। शरीर में जटिल भोजन को पहले तोड़कर सरल और घुलनशील रूप में बदल दिया जाता है। इस प्रकार भोजन का शरीर में जटिल पदार्थ से सरल और घुलनशील पदार्थ में बदलना एंजाइम की उपस्थिति में होता है और यह क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है। भोजन नली, पेट,
छोटी आंत और बड़ी आंत इस क्रिया में भाग लेते हैं। ये सभी अंग मिलकर पाचन प्रणाली का निर्माण करते हैं। भोजन को पचाने में कई अंश सहायक होते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उसे काटने, फाड़ने और चबाने का काम दांत करते हैं, यानी दांत भी सहायक हुआ। चबाने के बाद भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में मुंह से निकली लार भोजन में मिल जाती है और लार इस भोजन को शर्करा में बदलती है। माने भोजन का पाचन का क्रिया मुंह से शुरू हो जाता है। भोजन अब लुगदी के रूप में भोजन नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, मुंह फिर ग्रास नली। ठीक, आमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है। वहां पर भी विभिन्न पाचक रस मिलते हैं। जहां भोजन में पाचक रस मिल जाते हैं, ये सब भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, आमाशय से छोटी आंत में पहुंचा। छोटी आंत में लगातार एक आंतरिक गति होती रहती है, आकुंचन संकुचन का, जिससे भोजन पिसता हुआ आगे बढ़ता है। पचे भोजन के अधिकांश अंश को तो छोटी आंत की दीवार अवशोषित कर लेती है और बाकी जो अंश अवशोषित नहीं हो पाता है, बाकी मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरी क्रिया को ही पाचन क्रिया कहते हैं। पचा हुआ भोजन रक्त की सहायता से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। अब स्वास्थ्यवर्धक भोजन की आदत क्या है? पहली बात, भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। दूसरा, भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह चबाएंगे तो मुंह में जो लार है वो भोजन में मिलेगा और भोजन का अच्छी तरह से मुंह से पाचन क्रिया शुरू हो जाएगा। हमें अपने शरीर में शरीर की वृद्धि करने वाले, ऊर्जा देने वाले और रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थों का भोजन में समावेश करना चाहिए, यानी संतुलित भोजन लेना चाहिए हर तरह का। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, बासी भोजन या रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, सदैव ताजा भोजन करना चाहिए। भोजन करने के ठीक पश्चात व्यायाम या तैरना नहीं चाहिए। सोने से पहले दांतों में ब्रश करके सोना चाहिए और भोजन करने के बाद मुंह को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। भोजन पकाते समय क्या बातें ध्यान रखने योग्य हैं वो हम जाने। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के पहले ही धो लेना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है कि काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं, जिससे उनमें जो उपस्थित विटामिन है वो धुलकर चले जाते हैं। भोज पदार्थों को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पकाने से भी उनके पोषक तत्व, विटामिन वगैरह नष्ट होते हैं। तीसरा, सब्जियों, दालों और चावल को पकाने के लिए जितना आवश्यक हो उतने ही पानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर पानी अधिक हो जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसमें विटामिन और अन्य पोषक तत्व घुले रहते हैं। भोजन को ढक कर पकाना चाहिए, इससे भोजन जल्दी पकता है और सुरक्षित रहता है। हमेशा साफ ताजे भोज पदार्थों को ही पकाना चाहिए। अब भोजन का संरक्षण हम किस तरह कर सकते हैं उसको देखें। मांस, अंडे, दूध आदि को कम ताप पर शीत गृहों में रखकर संरक्षित किया जा सकता है, और घर में छोटा सा शीत गृह होता है फ्रिज। कुछ पदार्थों को सुखाकर चीनी या नमक मिलाकर भी संरक्षित किया जाता है। फलों और सब्जियों को जैम, जैली, मुरब्बा और अचार के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अचार में आप जानते हैं नमक होता है, जैली, जैम, मुरब्बा में चीनी होता है। ये चीनी और नमक सुरक्षित संरक्षित करने का भोजन को संरक्षित करने का काम करते हैं। इसके बाद तीसरी बात है संरक्षण के लिए, उचित तापक्रम पर उबाल कर भी भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। चौथा है निर्जीवीकरण द्वारा, जिसको हम बोलते हैं पाश्चरीकरण द्वारा, दूध, फलों के जूस आदि को संरक्षित किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी में सुखाकर भी भोजन को संरक्षित किया जा सकता है।
इसी के साथ यह पाठ पूर्ण होता है। हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कराते रहें। जय हिंद, जय भारत।